हिंदी एक्सप्लेन सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है कि स्कूल से जहां टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्डल ट्रेविस होता है। आर्डल का सारा ध्यान सिर्फ उसकी टीचर पर होता है, मानो जैसे वो टीचर से बेहद प्यार करता हो। कुछ देर बाद स्कूल की बेल बजती है और सब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन आर्डल अपनी जियोमेट्री बॉक्स से एक रिंग निकालता है और टीचर के पास चला जाता है और आर्डल टीचर को रिंग देता है। वो टीचर को बताता है वो उसने अपनी पॉकेट मनी से खरीदी है। टीचर बोलती है तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों किया? आर्डल बोलता है इसकी जरूरत ही, आपको पता है मैं आपके लिए कितना फील करता हूँ। यह सुनकर टीचर रिंग को पहन लेती है और बोलती है अब हम एंगेज हो गए हैं, और आर्डल स्माइल करता है और वो अब अपने घर चला जाता है। और आर्डल घर जाकर अपनी नोटबुक पर टीचर का नाम लिखता है। लड़का तो प्यार में है भाइयों। अब अगली सुबह आर्डल अपनी मॉम के साथ मार्केट जाता है, तभी आर्डल को उसकी टीचर मिलती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। तभी टीचर उसके होने वाले हस्बैंड ने प्यार से दी हुई रिंग दिखाती है जिससे आर्डल को बहुत गुस्सा आता है, और तभी टीचर का फियांसे वहां आ जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब आर्डल घर आकर उस पेपर को फाड़ देता है जिस पर उसने प्यार से टीचर का नाम लिखा था। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी होती है और आर्डल टीचर को बिना बाय किए ही वहां से जाने लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो टीचर उसे अपने पास बुलाती है, पूछती है क्या हुआ। आर्डल बोलता है आपने जो रिंग पहनी है वो मेरी नहीं है ना। टीचर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्डल टीचर को बाय कहकर और उदास होकर वहां से चला जाता है। टीचर का फियांसे उसका कार में वेट कर रहा था और वहां आर्डल आ जाता है और वो उसको गुस्से में बोलता है तुम मिस पर्डी से शादी मत करो क्योंकि वो मेरी है। वो आदमी आर्डल पर हंसने लगता है। आर्डल गुस्से में बोलता है मुझ पर मत हंसो। वो आदमी आर्डल से मजाक में बोलता है मिस पर्डी तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम बहुत छोटे हो और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। और तभी आर्डल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है टीचर मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती और तुम अपनी बकवास बंद करो। और आर्डल उस आदमी को फाइट के लिए चैलेंज करता है और अगले दिन उसे एक ग्राउंड पर बुलाता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। अब टीचर का फियांसे अगले दिन कार में बैठकर वेट कर रहा होता है, तभी वहां आर्डल जाता है और वो आदमी मिस पर्डी से मजाक में बोलता है रुको आज मेरी किसी से फाइट है मैं आता हूँ, और वो आदमी उसी ग्राउंड में चला जाता है जहां आर्डल ने उसे बुलाया है। वो आदमी और आर्डल उस ग्राउंड में आ जाते हैं और तभी आर्डल अपने बैग से एक गन निकाल लेता है जो कि उसके पापा की होती है। अब मिस पर्डी भी वहां आ जाती है। मिस भी आर्डल को रोकती है और अब वो आदमी भी घबरा जाता है और अब वो आदमी आर्डल से बोलता है यह मजाक बंद करो और गन नीचे करो। तभी आर्डल बोलता है बोलो तुम टीचर से शादी नहीं करोगे। आदमी को यह बात मजाक लगती है, लेकिन तभी आर्डल अपनी गन को लोड कर लेता है और आदमी घबराकर बोलता है मैं मिस पर्डी से शादी नहीं करने वाला, वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। शादी करने के लिए कुछ दिनों के लिए वो चुप हो जाए, इसलिए मैंने उसे रिंग भी पहनाई है। और तभी आर्डल फायर कर देता है और हमें पता चलता है आर्डल ने हवा में फायर किया है और अब उस आदमी का असली चेहरा टीचर के सामने आ चुका है। मिस पर्डी उसकी दी हुई रिंग को वहीं फेंक कर आर्डल को लेकर वहां से चली जाती है और अब टीचर आर्डल से बहुत खुश होती है। टीचर आर्डल को बोलती है जो लड़की तुम्हें मिलेगी सच में वो बहुत लकी होगी। और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। क्या आप भी अपनी टीचर से इतना प्यार करते थे? कमेंट में जरूर बताएं।